पोर्टल के सभी खाता धारकों के खाते में 9,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ई श्रम पोर्टल अगर आपने 2021 में बनवाया था, अगर आप भी गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, अगर आप भी बेलदारी मजदूरी कर अपने घर का भरण पोषण करते हैं, तो आपके खाते में भी 9,000 रुपए की धनराशि आ चुकी है। कृपया कर एक बार फिर से आप अपने अकाउंट को चेक करें। दोस्तों आपको बता दें कि इसी महीने में ई श्रम पोर्टल के तहत 9,000 रुपए की धनराशि हर एक गरीबी रेखा से नीचे आए हुए शख्स के खाते में भेजी जा रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब ई श्रम कार्ड को लॉन्च किया गया था, उस दौरान गरीबी रेखा से नीचे आए हुए लोगों के साथ साथ बहुत सारे अमीर लोगों ने भी ई श्रम कार्ड बनवाया था, जिसके बाद 3 महीने से ये चेकिंग की जा रही थी कि किस किस शख्स ने अमीर होने के बाद भी, जिसकी मंथली इनकम 20,000 से ज़्यादा है, उन लोगों ने ई श्रम कार्ड बनवाया था, और जिन लोगों ने भी फ्रॉड के तहत, यानी कि जो लोग गरीबी रेखा से नीचे नहीं आते हैं, अगर उन लोगों ने भी ई श्रम कार्ड बनवाया था तो उन लोगों का ई श्रम कार्ड ब्लॉक किया गया है। अगर आप भी गरीबी रेखा से नीचे आते हैं तो आपके खाते में 9,000 रुपये की धनराशि आ चुकी है। आप अपना बैंक अकाउंट चेक ज़रूर कर लें। अगर आप गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, अगर आपके खाते में फिर भी ये धनराशि नहीं पहुंची है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके अपना नाम और साथ ही अपने राज्य का नाम ज़रूर लिख दें। दोस्तों आपको बता दें कि ई श्रम पोर्टल के तहत अब तक ये सबसे बड़ी जानकारी है। अगर आपके आसपास रह रहे किसी भी शख्स ने ई श्रम कार्ड बनवा रखा है, उसे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपको बता दें कि अगर आप अप्लाई दोबारा करते हैं तो हो सकता है कि आपके खाते में 12,000 रुपये की धनराशि अवश्य आए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर दी जाने वाली सभी जानकारियां पूरी तरीके से मुफ्त होने के साथ साथ आप सभी के जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान भी निभाती है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।